हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा एक्सेलरेशन, क्लास नाइन्थ के अंदर। ओके, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हमारे आसपास के अंदर जो हो कई बार हमें देखने को मिलते हैं। तो देखो, कई बार आपने देखा होगा कि अभी जो रिसेंटली जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि कुछ लोग हमारे मोहल्ले के अंदर चार पांच लोग बैठे बातें कर रहे हैं बाहर निकलकर, अचानक से एक गाड़ी आती है पुलिस की और जब उसका सायरन बजता है, सायरन की आवाज सुनकर जो बंदा जहां बैठा था वो वहीं से भागने का प्रयास करता है जहां उसको रास्ता मिल जाए। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल, हमारा जैसे गांव के अंदर एक बंदा जा रहा है आराम से गली के अंदर, हाथ में मोबाइल ले रखा है इसे चलाता हुआ, अचानक से क्या होता है कि किसी का डॉगी या कुत्ता जब खुला रह जाता है तो वो कुत्ता जब उसको देख के भौंकने लगता है या उसकी तरफ आता है तो वो बंदा क्या करेगा, अपनी स्पीड बढ़ाकर निकल जाएगा जल्दी से। इसके अलावा एक और एग्जांपल अपने ले सकते हैं कि जैसे जो मोबाइल वाली जनरेशन है, आजकल बच्चे जो गेम वगैरह खेलते हैं मोबाइल के ऊपर, जैसे फ्री फायर के अंदर मान लो कि लिखा हुआ आ गया कि सेफ जोन जो है वो सिंक हो रहा है, तो बंदा जल्दी से अपने अपने को भगाने का प्रयास करेगा ताकि उसको नुकसान ना हो। तो ये तीनों जो एग्जांपल थे इनमें एक चीज कॉमन थी, वो क्या कि स्पीड के अंदर चेंजेस आ गया, चेंज इन वेलोसिटी। ये तीनों में कॉमन बात थी। तो एक्सेलरेशन होता है वो ये चीज होती है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। जहां पे रेट वर्ड आ गया, रेट जहां पे लिखा जाता है उसका मतलब ये कि वेलोसिटी का चेंजेस हमने निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट के साथ कि ये जो चेंजेस आए कितने टाइम के अंदर आए। तो इसलिए किसी चीज के अंदर चेंज अगर निकालते हैं, कई बार कहते हैं चेंज के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। हम एक होटल में चले गए, वहां पे बढ़िया खाना खाया, 990 रुपए हमारा बिल बन गया, 10 रुपए बच गए, तो हम क्या करते हैं कि जो बिल लेके आता है उसके अंदर रख के कहते हैं चलो चेंज रख लेना। तो वो वाला चेंज यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम चेंज की बात कर रहे हैं किसी की फाइनल और इनिशियल दो वैल्यूज का माइनस करके हम जो कोई रिजल्ट निकालते हैं उस चेंज की हम यहाँ पे बात करते हैं। कि मान लो कि कोई दुकानदार है, सुबह को दुकान पर गया, उसके गल्ले के अंदर 1000 रुपए थे, शाम को वो आया उसने काउंट किया कि 5000 हो गए, तो उसने दिन में कितनी अर्निंग यहां पर की है, 5000 माइनस 1000, तो 4000 का चेंजेस आ गया उसके पास जो अमाउंट थी उसके अंदर, यानी कि 4000 रुपए और बढ़ गए। तो उस तरह का चेंज हम जब निकालते हैं तो हमारे पास कम से कम दो वैल्यूज होनी चाहिए, इनिशियल और फाइनल दोनों का माइनस चेंज के अंदर हम ले सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की जब अपनी बात करते हैं यहां पे हम लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में आता है टाइम कि कितने टाइम के अंदर ये चेंजेस आए। ये बड़ा साइज का फॉर्मूला बन गया, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं काफी ज्यादा सिंबल्स के अंदर क्योंकि आजकल शॉर्ट का जमाना है। तो एक्सेलरेशन की जगह पे ए आ गया, ए फॉर एक्सेलरेशन। और कई कहेंगे कि सर ए फॉर एप्पल होता है, वो बचपन में था, अब चेंजेस हो गई काफी चीजें। फाइनल वेलोसिटी, अब देखो यहां पे दो वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी लिख रखा है, ये भी हमने वेलोसिटी लिख रखा है। अब सिंबल की बात करेंगे, वी फॉर वेलोसिटी होता है, दोनों के लिए वी लिख देंगे फिर हमें कंफ्यूज हो जाएगा कि फाइनल कौन सा है इनिशियल कौन सा है। तो इसलिए सीधा सा इसका साइंटिस्टों ने जो रिश्ता निकाला कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसको उन्होंने वी लिख दिया। इनिशियल क्या होता है कि फाइनल से पहले आता है, उसी प्रकार हमारा जो अल्फाबेटिक सिस्टम है वी से पहले आता है यू, तो इनिशियल वेलोसिटी को नॉर्मली यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम के लिए टी आ जाता है, फॉर्मूला बन गया ए इक्वल टू वी माइनस यू फॉर में टी। अब देखिए ऐसे यूनिट की बात करते हैं, हर कंसेप्ट की या हर टॉपिक की आपको ऐसे यूनिट पता होनी चाहिए, उसको ही फॉलो करना है तो आपको आगे जाकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसे यूनिट वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर अपॉन में सेकेंड, यू की भी मीटर अपॉन में सेकेंड है तो दोनों की यूनिट एक ही रहेगी मीटर अपॉन में सेकेंड, क्योंकि जो रिजल्ट निकलेगा मान लो 10 में से 5 माइनस कर दिया पीछे 5 रह गया वो 5 मीटर पर सेकंड के अंदर आएगा, अपॉन में और टाइम दे रखा है नीचे जो टाइम दिया उसके लिए भी सेकंड यहां पे लिखा जाएगा, तो ऐसे यूनिट आ गई मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की ऐसे यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये थोड़ा सा फर्क होता है दोनों के अंदर। इसके ऊपर कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाई द टाइम अकर्स ट्वाइस इन द ऐसे यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो हम देखते हैं कि मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर इस तरह से बनता है, एक जो सेकंड आया था वो वेलोसिटी के लिए आया, दूसरा सेकंड
हमारा जो टाइम उसके लिए आ गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सेलरेशन जो है उसका मतलब नॉर्मली क्या होता है। हमारी लाइफ के अंदर हमने जो एग्जांपल देखा उनमें ये था कि पहले स्पीड कम थी या जीरो के बराबर भी थी कुछ केसेस के अंदर, अचानक से स्पीड जो बढ़ जाती है ये करता है एक्सेलरेट करना। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेट कोई गाड़ी ऑब्जेक्ट कोई करता है तो उस वो किस तरह से करता है वो हमने यहाँ पे निकालना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में ये सबसे बड़ी दिक्कत है, पहले कंसेप्ट समझो फिर फॉर्मूला याद करो फिर न्यूमेरिकल। तो एग्जाम्पल ले लिया हमने कि एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट आफ्टर 5 सेकेंड, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 54 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एक्सेलरेशन। ये न्यूमेरिकल आ गया। तो फॉर्मूले में हमारे पास ए निकालना है, वी यू और टी, तीन वैल्यूज हमारे पास होनी चाहिए। टाइम 5 सेकंड उन्होंने देखा है तो टी की वैल्यू मतलब मिल गई। अब वी और यू निकालना है, अब हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ 54 लिखा हुआ है यहां पर। अब ये वी है या यू है ये क्या है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहां पर देखो एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक कार पहले रेस्ट पे थी, रेस्ट का मतलब जो वेलोसिटी है वो जीरो, पहले रेस्ट पे थी बाद में चलना स्टार्ट कर दिया, 5 सेकंड बाद स्पीड 54 की बन गई। तो हमने क्या देखा यहां पर, यू इनिशियल वेलोसिटी, जब तक गाड़ी रुकी हुई थी रेस्ट पोजीशन थी वो हम यहां पर यू कंसीडर करेंगे, बाद में स्पीड 54 की बन गई, ये वी आ गया। अब क्या करना है कि वी जो है वो किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, इसको ऐसे यूनिट के अंदर चेंज करना है। तो 54 किलोमीटर, इसका मतलब 54 को मीटर में बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन में आवर, टाइम आवर में है उसको जगह पे सेकंड आना चाहिए, आवर की जगह सेकंड लाएंगे तो यहाँ पे 3600 लिखना पड़ेगा। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो ये अपॉन में ये आ गया, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, ये 18 के ऊपर 2 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, ये पीछे 5 पे रह गया, 15 मीटर पर सेकेंड। 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 15 मीटर पर सेकंड बनता है। इसका एक सिंपल सा तरीका है कि हमें जरूरी नहीं कि बार बार इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़े, किसी भी क्वांटिटी को अगर हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करना है हर बार हमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में 3600 लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि जो 1000 दिया हुआ है जो मीटर के लिए यूज होता है और 3600 जो सेकंड के लिए यूज होता है उनको अलग से हम सोल्व कर लेते हैं। पहले ही इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड हुआ ये 5, ये 18, यानी कि कोई भी नंबर जो हमें किलोमीटर पर आवर में गिवन है उसको अगर हम 5.18 से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर ऐसे यूनिट के अंदर आ जाता है। हमने यहाँ पे 1000/3600 लिखा था, अब अगर मान लो सीधा 54 है, इसको 5.18 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3 पे चला जाएगा, तो भी आंसर हमारा 15 ही आएगा। तो ये छोटा सा इसमें शॉर्टकट है हमारा कि किसी भी स्पीड को या वेलोसिटी को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो 5.18 से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, अपने आप चेंज हो जाएगा। तो अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर यू हमारा जीरो है, क्यों जीरो है, क्योंकि गाड़ी पहले रेस्ट पे थी। ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोई नई चीज नहीं है, हम कहीं पे जाने के लिए गाड़ी बाहर निकालते हैं। अच्छा अब की बात नहीं कर रहे हैं, जब लॉकडाउन बंद हो जाएगा उसके बाद की जब बात होती है, या पहले जो हमने किया था उस टाइम पहले जब तक हमारी नॉर्मल लाइफ थी, हमने मान लो कहीं पे जाना है, गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली अभी घर से बाहर नहीं निकाली, तो वो हमारी इनिशियल कंडीशन मानी जाएगी वहां पर। और 5 सेकंड बाद हमने गियर डाला, एक्सेलरेटर पे पैर रखा और स्पीड हमारी बढ़ गई। गाड़ी की जो रेस होती है जिसको हम रेस बोलते हैं गांव के अंदर, वो एक्चुअल में एक्सेलरेटर होता है। तो एक्सेलरेटर यहाँ पे एक्सेलरेशन से मिलती जुलती चीजें हैं, वो एक्सेलरेटर भी तो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है, यहाँ एक्सेलरेशन में भी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। तो ये 54 हमारा वी यहाँ पे रहेगा, इसको हमने 15 मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया, टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। तो इसमें फॉर्मूले पुट करेंगे v माइनस यू अपॉन में टी वाले के अंदर, v 15 आ गया, u 0 था, टाइम 5, तो ये आएगा हमारा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन निकल गया। तो इस तरह से आपने निकालना है। तो ये तो वो एग्जांपल है जिसके अंदर हमारा जो स्पीड थी एक स्पीड रेस्ट पे दी हुई थी। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आएंगे जिनमें मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड दी होती है, यानी कि जैसे देखो कि एक बस जो है वो, ए बस इज मूविंग
विद स्पीड। अब कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर क्या होता है कि वेलोसिटी लिखा होता है, स्पीड लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम इतनी गहराई में नहीं जाना कि ये स्पीड है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में स्पीड या वेलोसिटी एक ही मानी जाती है। थ्योरेटिकल जब हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, तब हम देखते हैं कि स्पीड डिस्टेंस पर में टाइम और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर में टाइम होता है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन गिवन होती है, इसमें नहीं होती। तो बहुत सारी चीजें हम न्यूमेरिकल में नहीं सोचते, हमें यहाँ पे सिर्फ वैल्यू से मतलब है। तो लिखा हुआ है कि बस इज मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 10 सेकेंड स्पीड बिकम्स 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन, पहले बस 36 की स्पीड पे जा रही थी, बाद में 72 पे चली गई। ये आपने देखा ही होगा कि बस वाले जब खाली रोड मिलती है तो कैसे भगाते हैं, ऐसे आंखें बंद करके वैसे स्पीड पे जा रही है गाड़ी मारी। तो यहाँ पे सबसे पहले स्पीड 36 थी, बाद में 72 हो गई। तो जो चीज पहले थी ये हमारा यू रहेगा, ये वी रहेगा और ये टी, इसको चेंज करना है। यू दिया हुआ है 36, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई, 10 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। वी को चेंज करना है, 20 मीटर पर सेकंड बन गया। टाइम ऑलरेडी सेकंड के अंदर, इसको चेंज नहीं करना। तो ए आएगा वी माइनस यू अपॉन में टी, वी की वैल्यू 20, यू माइनस का 10 अपॉन में 10। तो 20 में से 10 माइनस होगा 10 आ जाएगा, डिवाइड में 10 दिया हुआ है तो आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन यहां पे आ रहा है। तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो हम ऐसे कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर आपके दिमाग में ये था कि गाड़ी की स्पीड हर बार बढ़ क्यों रही है, क्योंकि कुछ केस ऐसे भी होंगे जहां पे गाड़ी की स्पीड घटती भी है। जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, अचानक आगे स्पीड ब्रेकर आ जाता है, हम ब्रेक लगाने पड़ते हैं, तो गाड़ी की स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो वो जो कंडीशन होती है जब एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो जाती है, वहां पर जो कंसेप्ट आता है उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अभी तो हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा है, एक्सेलरेशन से मिलती जुलती चीज है एक रिटार्डेशन। रिटार्डेशन बेसिकली है तो एक्सेलरेशन ही, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, तो रिटार्डेशन का मतलब भी चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि एक्सेलरेशन जो है उसकी पॉजिटिव सोच है, ये स्पीड को बढ़ाने वाली चेंजेस को बताता है, जबकि रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव सोचता है। ये जो स्पीड डिक्रीज होती है उस वाले चेंजेस को हमें बताएगा। जो हमने बस वाला एग्जांपल लिया था कि पहले बस 36 की स्पीड पे जा रही थी, 5 सेकंड बाद या 10 सेकंड बाद 72 की स्पीड पे आ गई। अब अगर मान लो कि इसका उल्टा करते हैं, हम बस जो है बस इज मूविंग विद मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 10 सेकंड स्पीड रिड्यूसेस या स्पीड बिकम्स 36 किलोमीटर पर आवर, फाइंड ए या एक्सेलरेशन। अभी उल्टा हो गया, यहां पे पहले स्पीड ज्यादा है बाद में स्पीड कम है, तो इसमें भी क्या होगा कि सेम मतलब हमारा फॉर्मूला रहेगा ए इक्वल टू बी माइनस यू वाला। हमने चेंज किया था कि जो 72 जो वैल्यू थी वो मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 20 आ जाती है, यू 36 था ये 10 आ गया था हमारा वहां पर। तो अब देखो, अब ये यू रहेगा और ये वी हो जाएगा, क्योंकि अब कंडीशन चेंज हो गई, पहले स्पीड ज्यादा थी बाद में कम हुई है। तो यू को हम यहां पे लिखेंगे 20, वी को लिखेंगे 10 अपॉन में आ गया 10, 10 माइनस 20 माइनस का 10 डिवाइड बाय 10 आंसर आएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आ जाता है, माइनस के अंदर आ जाता है, वो रिटार्डेशन होता है। यहां पर माइनस का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू जीरो से छोटी है। फिजिक्स के अंदर माइनस दो तरीकों से यूज किया जाता है, एक अपोजिट डायरेक्शन के लिए, दूसरा जहां पे वैल्यू रिड्यूस हो रही है। यहां पे रिड्यूस हो रही है, पहले स्पीड ज्यादा थी बाद में रिड्यूस होकर 36 की हो गई, कमी हो रही है स्पीड के अंदर, तो यहां पे नेगेटिव सिंबल आ गया इसके आगे। नेगेटिव सिंबल ये बता रहा है कि यहां पे स्पीड डाउन हो रही है। दूसरा डायरेक्शन चेंजेस, डायरेक्शन का चेंजेस हम कैसे निकालते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम इस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, हमारा रेफरेंस पॉइंट ये कह रहा है कि हम मान लो साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, अचानक हमें कोई काम याद आ गया, हम वापस मुड़कर इधर आ रहे हैं, तो जो इनिशियल डायरेक्शन जाने की थी अगर हम उसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो बाद वाली डायरेक्शन है उसके आगे माइनस का सिंबल लग जाता है।
तो ये चीज रिटार्डेशन के अंदर आती है सारी, जहां पे या तो डायरेक्शन चेंज हो रही है या वेलोसिटी के अंदर चेंजेस आते हैं, वो चीजें हम इसमें लेते हैं। अब कुछ न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जिनमें ये कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं हमें कि डायरेक्शन की वजह से माइनस कैसे लगेगा या जो वैल्यू रिड्यूस हो रही है उसकी वजह से माइनस कैसे लगेगा। तो हम एक रिटार्डेशन का एग्जांपल लेते हैं यहां पर। रिटार्डेशन एग्जांपल दिया हुआ है, एक बॉल हिट्स ए वॉल हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 6 meters per second आफ्टर रिबाउंड इट मूव्स विद द स्पीड 4.4 meters per second द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद वॉल फॉर 0.04 seconds फाइंड एक्सलरेशन। अब इसमें ये जो डायरेक्शन वाला नेगेटिव सिंबल है वो हमें यूज करना होगा, कैसे वो आप देखिए। सबसे पहले क्यों है कि एक बॉल हिट से वॉल हॉरिजॉन्टली, एक कोई भी मेरे पास मान लो एक बॉल है, वो मैंने इसे फर्श के या फ्लोर के सारे मूव करवाई, दीवार के साथ टकराती है, फिर वापस दीवार से टकराकर सामने की ओर जाने लग जाती है। तो यहां पर क्या है कि दोनों तक जो वेलोसिटी है, यहां पर दोनों वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल, उनमें डायरेक्शन चेंज हो रही है। पहले इस डायरेक्शन में आके यहां पर टकराती है, इससे टकराने के बाद रिएक्शन का फोर्स लगेगा, वापिस सामने की ओर जाना शुरू कर देगी। और इन्होंने क्या है कि अभी एक थोड़ा सा काम आसान कर दिया कि मीटर पर सेकंड में वैल्यू पहले से दे रखी है। कुछ न्यूमेरिकल में आपको वैल्यू इस तरह की पहले से मिलती है। तो पहले दिया हुआ है कि 6 meters per second इस स्पीड के साथ बॉल आकर दीवार से टकराई, हमने यू लिख दिया 6 meters per second। उसके बाद क्या होगा कि दीवार से टकराने के बाद डायरेक्शन चेंज कर ली हमने, इनिशियल डायरेक्शन के साथ रिलेशन देखने, आते टाइम डायरेक्शन ये थी, जाते टाइम ये होगी। तो जो बाद वाली डायरेक्शन है वी की जो वैल्यू आई है, इसके आगे माइनस का सिंबल लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वी जो है यू की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो उसका भी यहां पर कंसेप्ट लगाना पड़ेगा माइनस की फॉर्म में। टाइम दे रखा है 0.04, ये टाइम दिया हुआ है कॉन्टेक्ट का, जो डायरेक्शन चेंज हुई है इधर टकरा कर वापिस मुड़ने का, वो टाइम हमने यहां पर यूज करना है। अब फॉर्मूला लगेगा a = v - u / t, वी की वैल्यू माइनस 4.4 लिखेंगे, अब यू के आगे माइनस फॉर्मूले की वजह से लिखेगा जो यहां पर लिखा हुआ है, डिवाइड में 0.04। इन दोनों को अपने ऐड करेंगे तो माइनस के अंदर ऐड होंगे ये, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की है। इसका पॉइंट कैंसिल करने के लिए जीरो यहां पर लगा दे, दोनों कैंसिल हो गए, -1040/4। तो इसका आंसर आ गया ये 260, -260 meters per second square। ये माइनस इसलिए लगा है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, पहले 6 meters थी फिर 4.4 meters थी। अब एक दिमाग में ये होगा कि जब हमने बॉल को रोल करा के छोड़ दिया है, दीवार से टकरा कर वापिस आई तो स्पीड कम क्यों हुई। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई चीज मूव करती है उसके अंदर एक एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, जब वो दीवार से टकराई तो उसकी कुछ एनर्जी दीवार में रख ली हीट की फॉर्म के अंदर। जब हम कोई चीज जैसे फेंक के किसी ऑब्जेक्ट के साथ मारते हैं तो वहां पर जब वो चीजें टकराएंगी, कोलिजन होगा, फ्रिक्शन होगा, तो कुछ एनर्जी वहां पर चली जाती है। तो इसकी कुछ एनर्जी दीवार में रख ली तो इसकी स्पीड अब कम हो गई, और स्पीड कम होने की वजह से रिटार्डेशन आ गया, तो ये आंसर माइनस के अंदर। तो इस तरह के केस भी आते हैं जहां पे डायरेक्शन की वजह से माइनस लगता है और स्पीड कम होने की वजह से भी लग सकता है। तो ये कंसेप्ट था रिटार्डेशन का। अब कई बार हम ग्राफ की बात करते हैं, जब रिटार्डेशन का ग्राफ बनता है तो हम इस साइड में टाइम लेते हैं एक्स के ऊपर, यहां पे वेलोसिटी लेते हैं वाई के ऊपर। तो इसका ग्राफ अपोजिट उल्टा बनता है, नेगेटिव ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है ग्राफ, पहले हाईएस्ट था, जैसे टाइम बीता जा रहा है वैसे नीचे की ओर आ रहा है। तो ये नेगेटिव ग्रोथ को दिखा रहा है। एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से ऊपर की ओर बढ़ता है, वो ये पॉजिटिव हमारा ग्राफ माना जाता है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स देकर, जहां पे स्पीड कम हो रही है, जहां पे स्पीड बढ़ रही है। एक चीज और होती है, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में देखा था कि एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, जिसमें कार रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, वहां पर यू जीरो लिया जाता है,
कुछ न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे कि ए कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्पीड रिड्यूसेस टू जीरो, तो जिसमें ब्रेक लगने के बाद स्पीड घटती है या ब्रेक लगने के बाद गाड़ी रेस्ट पोजिशन में आती है तब तो हम वी को जीरो लेंगे, जिसमें पहले रेस्ट पे थी बाद में स्पीड बढ़ी है वहां पर हम यू जीरो में लेंगे। तो कुछ न्यूमेरिकल में ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। तो आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने तो कितनी सारी बातें बता दी, इतना कोई चक्कर वाला काम नहीं है, जब आप एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ये चीजें अपने आप दिमाग में आ जाएंगी, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।